तो चलिए आपके संडे में भर देते हैं ढेर सारा एंटरटेनमेंट। ले चलते हैं आपको आपके फेवरेट सेगमेंट की ओर, यानी कि डे आउट। हमारी टीम सास बहू और बेटिया ने किया एक डे आउट। तेरा मेरा साथ रहेगी आशी यानी सुमति सिंह के साथ। आइए देखते हैं इनके इस डे आउट के कुछ खास नज़ारे। देखते हैं घर से सेट तक का इनका ये सफर। गोपिका की बहन आशी का स्वैग। सुमति संग एक दिन। आशी एक टैलेंट अनेक। स्टार प्लस के सीरियल तेरा मेरा साथ रहेगी आशी यानी कि सुमति सिंह सास बहू और बेटिया संग कर रही हैं डे आउट, जिसमें हम देखेंगे कि कैसी है आशी की रियल दुनिया। करेंगे सुमति के घर की सैर, सुमति कराएंगी अपने खास दोस्तों संग मुलाकात, देंगी योगा की कुछ खास टिप्स, घर से सेट तक का सफर तय करेंगी और मिलवाएंगी अपनी रियल फैमिली से। वैसे आपको बता दें कि आशी यानी कि सुमति सिंह को पहले आप रूप अम्मा के बाबू की बेबी जैसे शोज में देख चुके हैं और अब आप उन्हें देख रहे हैं गोपिका की बहन आशी के किरदार में। सुमति बिहार की रहने वाली है, तो चलिए इस छोरी संग शुरू करते हैं डे आउट की, सीधा पहुंच कर उनके घर। वेलकम टू सास बहू बेटिया, प्लीज कम होम। ये बहुत ही अभी टायर्ड है आफ्टर शूटिंग और फिर ट्रैफिक एंड देन कमिंग होम बैक और गेटिंग अप अर्ली 6 o'clock फॉर यू गाइज, बट येस दिस इज़ माई स्मॉल प्लेस, स्मॉल होम वेयर आई स्टे अलोन। और आज मैं मिलवाऊँगी आपको मेरे घर में मैं क्या क्या करती हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं, मैं कैसे रहती हूँ, मेरा क्या मॉर्निंग रूटीन है। और यस सुमति ने बड़े ही प्यार से सास बहू और बेटिया का वेलकम किया और फिर शुरुआत की अपने खूबसूरत आशियाने की सैर कराने से। या दिस इज माय फेवरेट पीस इन द हाउस, ये मिरर, और मेरे को बोहो लुक बहुत पसंद है तो मैंने थोड़ा सा बोहो टच दिया है अपने हॉल को, तो ये एक मिरर लगाया है ताकि मैं अपने आप को अच्छे से देख सकूं। आई लाइक फ्लावर्स, तो मैंने थोड़े थोड़े फ्लावर्स लगाए। मेरे को लाइट्स बहुत पसंद है, मतलब मैं ऑब्सेस हूँ लाइट्स से। मेरे घर में हर जगह आप लाइट ही देखोगे। या सो दिस इज़ हाउ इट इज़। और मैं बहुत कम वाइट लाइट यूज़ करती हूँ, मेरे घर में सिर्फ यही मिर्ची लाइट, दिस लाइट, दैट लाइट, यही दिखेगा आपको। सो आई हैव गिवन द स्मॉल स्मॉल टच, स्टिल आई एम डेकोरेटिंग माई हाउस, तो होप आपको अच्छा लगे। एक्चुअली आई गॉट दिस फ्रॉम गोवा लॉन्ग बैक। ये इतना कम्फर्टेबल चेयर है ना कि इसके अलावा मैं कोई और चेयर मैंने लिया नहीं, बट हाँ मुझे लेना है। बट दिस इज समथिंग, इफ यू सिट ना आपको ऐसा लगेगा वाओ आप बीच पे बैठे हो और सामने बीच है। वैसे तो गोपिका की बहन काफी टैलेंटेड है और देखिए कैसे वो गिटार भी बजा लेती है। एक्चुअली मेरा छोटा भाई मेरे साथ रह रहा था तो वो यूज़ करता था, वो मुझे सिखा भी रहा था, तो मेरे पास थोड़ा सा लर्निंग लेसन है। है सुमति की दो प्यारी दोस्त से मिलने की, जिनका नाम है हम्टी और डम्टी। मैं आपको अपने बेडरूम की तरफ ले जाती हूँ। सो मीट माय टू लिटिल क्यूटीज। ये है डम्टी, डम्टी से हाय, और ये है हम्टी। So this is my peace place और one of my favorite place, जहाँ मैं सुबह में शाम में you know you can just stand और
गेट सम फ्रेश एयर और बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मैंने इन दोनों को रेस्क्यू किया था आज से 3 साल पहले। इनके पूरे फर मेरे कपड़ों पे लग चुके हैं। एनी केस बारिश के टाइम में ये बहुत ही मतलब इतने छोटे छोटे से थे, इनकी मॉम की डेथ हो गई थी और वो वहाँ पे ऐसे बैठे हुए थे, रो रहे थे। तो मैं बस पता नहीं क्यों मैं इनको उठाकर घर ले आई। आई एम ऐसे भी फाउंड ऑफ कैट्स। सुमति अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखती है। सुबह सुबह बिना चूके वो करती है योगा। तो मॉर्निंग की शुरुआत मैं हमेशा थोड़ा एक्सरसाइज या योगा से करती हूँ। तो आज है मेरा योगा डे। तो योगा इज समथिंग जो मैं डेली करती हूँ। बेसिक स्ट्रेचिंग तो डेली करती हूँ जो सबको करना ही चाहिए। और योगा इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, फॉर योर यू नो रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि अभी जो चल रहा है कोविड का टाइम, उसमें तो बहुत ज़रूरी कि आप योगा करें ताकि आपका स्टैमिना बढ़े, आप स्ट्रॉन्ग हो अंदर से। का होम स्वीट होम सुमति ने अपने हाथों से सजाया है और इस सजावट की खास बात यह है कि उन्होंने अपने हाथों से सारा डेकोरेशन का सामान भी बनाया है। ये एक पीस है, इसमें लाइट भी ऑन होता है, लाइट बंद है। तो ये मैंने बनाया है एक्चुअली जब मैं शिफ्ट हो रही थी। तो यू नो आप घर में शिफ्ट होते हो ना, तो आप क्या होता है वो कार्टन्स जिसमें आप अपने सामान को पैक करते हो, बहुत सारे लेफ्ट ओवर कार्टन्स थे। तो ये मैंने उससे बनाया है। और रूम में एक लैम्प है जो मैंने बनाई, इसको पेंट करना अभी बाकी रह गया है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जैसे DIY, ये घर मैंने खुद से बनाई। ये टेबल मैंने खुद से पेंट किया है। जो ये टेबल एक्चुअली मैं एक यू नो मेरा काम क्या है, मैं एक सेकेंड हैंड सामान खरीदती हूँ, फिर मैं उसको अपने तरीके से यू नो बोहो लुक में कन्वर्ट करती हूँ। तो ये टेबल सेकेंड हैंड मैंने लिया, फिर मैंने इसको खुद से पेंट किया। सो दिस मैंने ऐसे रफली लिया था, फिर मैंने इसको येलो पेंट किया। सेम लाइक दीज टू, ये वुड पीसेस हैं जो वुड कलर में आते हैं। तो जो बेसिकली आप देखो इस कलर में आते हैं, तो इनको मैंने पेंट किया है। ये मेमोरीज हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं इसमें सारी। अब तो ये ख़राब हो गई। मैंने एक शो किया था बिग बॉस, उस समय मैं क्रू मेंबर थी। तो ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, उन हम लोग ने एक मेमोरी फ़ोटो बनाई थी। मेरा स्टार्ट बिहाइंड कैमरा से हुआ है। सो मैं बिल्कुल इंडस्ट्री से यू नो वाकिफ नहीं थी। तो आई केम इन 2015, तो मुझे लगा कि पहले बिहाइंड कैमरा करते। सो आई गॉट एसोसिएटेड विद इंडमॉल। इंडमॉल के साथ मैंने काफ़ी शोज किए 1.5 ईयर। तो पहला शो था मेरा बिग बॉस, दैट वन ऑफ द बेस्ट शो ऑफ माई लाइफ। तो डबल ट्रैवल किया था जिसमें आई गेस विनर थे प्रिंस नरूला। बहुत मस्ती की थी। तो ये सारी यादें हैं, बहुत प्यारी यादें हैं। गोपिका की बहन कलाकार तो है ही, साथ ही उन्हें सजने धजने का भी खूब शौक है। तो आइए देखते हैं इनका ज्वेलरी कलेक्शन। ये एक छोटा सा प्यारा सा कलेक्शन है जो मैं करती हूँ, अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। दिस इज़ माई, होप आपको इंटरेस्टिंग लगे, माई इयररिंग्स कलेक्शन। और मुझे ना ऐसे से ज्वेलरी बॉक्स का बहुत शौक है। आप आशी के कैरेक्टर में भी देखा होगा कि आशी बहुत बड़े बड़े झुमके पहनती है। सो दिस इज़ समथिंग आई एम इन रियल लाइफ ऑल्सो। अच्छा लगता है झुमके पहनना। मैं जहाँ भी जाती हूँ, जैसे ये झुमके मैं जयपुर शूट करने गई थी तो मैं जयपुर से लेकर आई थी। तो मेरा कैरेक्टर भी कहीं ना कहीं ऐसा ही है मेरे कलेक्शन की तरह।
तो अलग अलग बॉक्स में अलग अलग है, जैसे इसमें मैंने गोल्ड रखा है, इसमें मैंने ऑक्सीडाइज रखा है, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी आप लोगों को पता होगा। आप ये सारी चीज़ें कभी भी इंडियन इंडो वेस्टर्न यहाँ तक कि जीन्स टॉप पे भी आप पहन सकते हो, इट्स लुक सो कूल। सो ये ऑक्सीडाइज बैंगल है भाई। बातें शातें तो बहुत हो गई, अब बारी है सेट पर जाने की। और सेट पर जाने से पहले सुमति भगवान की पूजा अर्चना करती है और फिर वो खुद के लिए नाश्ता बनाती है। मैं बहुत लेट हो रही हूँ तो मैं फटाफट रेडी होके आती हूँ, फिर मैं ब्रेकफास्ट भी मुझे बनाना है, तो जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। हो गई मेरी छोटी सी पूजा। सो यू नो यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दिस ब्यूटीफुल डे। और एक छोटा सा थैंक्स देती हूँ मैं गॉड को। तो अभी मैं बनाऊँगी अपने लिए ऑमलेट। सुबह में रेडी होने के बाद ग्रीन टी पीती हूँ। जब तक आप मम्मी पापा के साथ रहो आपको लगता है अरे यार क्या है हमारी लाइफ यार मम्मी पापा, पर जब आप मम्मी पापा से दूर रहते हो ना तो आपको पता चलता है कि मुझसे पूछो। लग जा गले के फिर ये हसी रात हो न हो, शायद इस जन्म मुलाकात हो न हो। लग जा गले ब्रेकफास्ट करने के बाद बारी है सेट पर जाने की। आपको बता दे कि सुमति बिहार की गोरी है और मुंबई में काम के चलते यहीं पर उनका बसेरा है। और सफर के दौरान उन्होंने सास बहू और बेटिया संग की ढेर सारी बातें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। बिहार में एक बहुत ही प्यारा सा टाउन है मुंगेर, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। और अगर मैं एक्टर नहीं, अब मेरा हमेशा से आई वॉज वेरी गुड इन डांस एंड ड्रामा, और नॉट एग्जैक्टली डांस, बट एक होता है ना कि आपको वही चीज़ है जहाँ पे आपको खुशी मिलती है, दैट वाज डांस एंड ड्रामा एंड यू नो बुक रीडिंग और राइटिंग,
तो मैं कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में ही कुछ ना कुछ कर रही होती, बट अगर इंडस्ट्री से बाहर अगर आप बोलते कि आप क्या कर रहे होते तो मे बी नहीं, ऑफिस जॉब तो नहीं करती भाई, वो मुझसे नहीं हो पाता. क्या करती यार, मैंने कभी सेकेंड ऑप्शन का सोचा ही नहीं. हाँ एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, शायद अगर मैं एक्टर नहीं होती तो मैं टीचर बनती. सेट पर पहुंचते ही सबसे पहले शुरू होता है सुमति का मेकअप, जहां वो सुमति से आशी बनती है. ये है मेरा सेट, वेलकम. यहाँ पे बनती है सुमति आशी. तो यहाँ पे मैं बनूंगी अब आशी. अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना मेकअप, और चलिए देखिए मैं कैसे सुमति से आशी बनती हूँ. पहले आई मेकअप करेंगे हम, फिर हम बेस करेंगे, और फिर हम कंटूर करेंगे, फिर हम ब्लश ऑन करेंगे. आप प्रोसेस देखेंगे अभी. अभी फ़िलहाल तो मेरा आई मेकअप हो रहा है, और ये है मेरी हेयर दीदी. वैसे सेट पर एक्टर्स पूरा पूरा दिन बिताते हैं, और इसलिए सुमति खाने पीने की पूरी तैयारी के साथ आती हैं। तो बास्केट में क्या है मैं आपको दिखाती हूँ. तो पहले तो ये बुक है, मेरे को ऐसे भी कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद है, तो मैं कोई बुक कैरी करती हूँ. नेल पेंट, एक नेल पेंट रखती हूँ मैं, पॉकेट परफ्यूम, फिर वेट वाइप्स, शॉल, बिकॉज विंटर का टाइम है, और ये मेरी मम्मी का शॉल है, तो मैं पता नहीं क्यों बट ये शॉल मेरे पास हमेशा हमेशा रहता है, चाहे गर्मी हो विंटर हो कुछ भी हो, ये शॉल मैं अपने पास ही रखती हूँ. तो ये सेट पे मैं लेकर हर दिन आती हूँ. हाँ काइंड ऑफ, और वो मेरी मम्मी का फेवरेट शॉल था और मेरा भी, तो मैं मम्मी से छीन कर ले आई थी, तो ऐसा है. फिर मेरा प्रोटीन पाउडर, क्योंकि थोड़ा डाइट करने की कोशिश, तो शाम के लिए भूख लगती है, तो कुछ खाने की चीज़ें हैं दो टिफ़िन में. फिर भेल, तो मैं ये रखती हूँ. ये मेरा, मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं चाय वो हर्बल टी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो ये अब ख़त्म पे है, बट सेट पे आके फिर मेरे को ये हर्बल टी चाहिए होती है, तो ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो गया है, रिफिल करना है, बट यस इसमें बहुत कुछ है. चलिए अब मिलते हैं सुमति की रियल फैमिली से, जो सुमति की तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे. ऑन स्क्रीन तो आप जैसे देख रहे हैं हमारा वो खट्टा मीठा रिश्ता है, ये थोड़ी सी नॉटी है, फुल मसाले वाली. ये शीज़ आर करीना कपूर बेबो ऑफ द शो, एंड शी इज़ द वन हु इज़ हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर्स, यू नो, कभी कॉमेडी कर देती है, कभी कुछ उटपटांग हरकत कर देती है, कुछ ना कुछ शी इज़ ऑलवेज अप टू समथिंग.
So she's the naughty one. The Sumati is she prefers to keep to herself. She's not a very talkative. I can't call her a very talkative person. She's sweet. She's simple, and she's disciplined, and she's focused. She's focused and she's professional. कितनी तारीफ की मेरी बहन ने, देख रहे हो? उनकी अच्छाई है कि उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में, एक को आर्टिस्ट के बारे में अच्छा कहा है. और जहाँ तक हम सुमति जी की बात करें तो मैं शुरू से उन्हें देखती आई हूँ और बहुत शांत रहती है सेट पर हम कहते हैं ना छुपे रुस्तम है. मस्ती भी उनकी चलती है पर एक अलग किस्म की मस्ती चलती है. और यदि हम काम की बात करें तो जब भी मेरे साथ उनके सीन्स हुए हैं मैंने उनको हमेशा बहुत ही गंभीर पाया है. अपने काम के प्रति एक मेहनत, एक लगन पाई है. तो होप आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगा होगा. इसी तरह आते रहिए एंड फिर मिलेंगे. थैंक यू. तो भाई उम्मीद है कि आपने आशी के बारे में ढेर सारी पर्सनल चीजें जानी होंगी और ये भी जाना होगा कि रियल लाइफ में आशी कैसी है और कितनी अलग है. मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.